जैसे ईश्वर मूर्ति काल की आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण है, इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव हो रहा है उसे छोड़ दे। जिस प्रकार सुवर्ण की खानों में पत्थर में मिले हुए सुवर्ण को उसके निकालने की विधि जानने वाला स्वर्ण का उन विधियों से उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही अध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। आचार्यों ने मूल प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इन आठ तत्वों को प्रकृति बताया है। इस बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए। है वही सबसे अधिक का साक्षी परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए, इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन कहते हैं, अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह बंद कर देने के लिए सहस्त्रों साधन हैं, परंतु जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करे और हृदय से उनका सेवन भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान के लीला शरीरों में से किए हुए अद्भुत पराक्रम उनके अनुपम गुण की सांस खींचता है और संकोच छोड़कर हरे जगतपते नारायण कहकर पुकारने लगता है, तब भक्ति उसके सारे बंधन कट जाते हैं और भगवत भाव की ही भावना करते करते उसका हृदय भी तदाकार भगवन्मय हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस अशुभ संसार के दलदल में फिरे में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है। वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं और तो क्या, अपने आत्मा ही हैं। उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकना राम राम कितनी मूर्खता। अरे भाई, धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना और भांति भांति की भूतियां और तो क्या, संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्रियां इस क्षण भोग्य हैं, इसलिए वे भी निर्दोष नहीं हैं। निर्दोष है केवल परमात्मा, न भोगना पड़ता है। मनुष्य इस लोक में से काम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है वह शरीर ही पराया, स्यारूपों का भोजन और नासमान। कभी वह मिल जाता है तो कभी बिछुड़ जाता है। जब शरीर की ही यह दशा है तब इससे अलग रहने वाला पुत्र, स्त्री, महल, धन, संपत्ति, राज्य, खजाने, हाथी, घोड़े, मंत्री, नौकर, चाकर, गुरुजन और दूसरे अपने कहलाने वालों की तो बात ही क्या। ये कुछ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, ये जान को इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है। भाइयों, तनिक विचार तो करो, ये जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन होकर क्लेश ही क्लेश भोगता है। उसका इस संसार में स्वार्थ ही क्या है। वह जीव सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मानकर की परंपरा चल पड़ती है और ऐसा होता है अविवेक के कारण। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर आत्मा और परम प्रियतम है। वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीर में जीव के नाम से कहे जाते हैं। देवता दैत्य करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध यज्ञों से संपन्न होना तथा